नूह के हालात इस वक्त कैसे हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त काफ़ी सारे लोग आप देख रहे होंगे, ये लोग नूह से अब पलायन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे कामकाज के लिए, लेकिन अब जो नूह के हालात बिगड़े हैं तो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं? नूह से आए हैं भाई, अपने गाँव जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ क्या काम करते थे आप? मजदूरी करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। तो कब आए थे आप यहाँ, कितने दिन पहले आए थे? दो महीना। हाँ, तो आप वापस क्यों जा रहे हो आप लोग? अब यहाँ कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे भाई, एक पानी की बोतल। तो आप बताइए, आप कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं? बंद पड़ो जी, यूपी से आए जी। अच्छा, अब जाएंगे कैसे, गाड़ियाँ तो चल नहीं रही हैं जी। पैदल पैदल जा रहे हैं, सवारी मिल जाएगी तो सवारी से चले जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे आप लोग भी? एमपी से आए हैं, एमपी हम जाएंगे जिला टीकमगढ़। जाएंगे कैसे क्योंकि रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं? हमको दंगे से डर लग रहा है इसलिए हम पैदल जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी तो। कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं ऐसे? ऐसे तो कम से कम 4-5 हजार हमारे साथ है लेबर। तो क्या सब लोग चले गए हैं? कुछ लोग हैं 4 बजे, वो 4 बजे रास्ते निकल गए, कुछ निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वो लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों से मेवात के इस हिस्से में आए थे कामकाज के लिए आए थे। कोई एमपी का है तो कोई उत्तर प्रदेश का है तो कोई राजस्थान का है, और ये सब लोग अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यही है कि नूह में जो हालात हुए उसके बाद इन लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा से ऐसे हालात ना हो जाएं, इसीलिए अब ये मेवात को, नूह को छोड़ रहे हैं।